सभी को जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका नए वीडियो नेट टॉपिक पे स्वागत है। दोस्तों बहुत ही जानदार शानदार और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जयपुर एयरो की भर्ती जिला स्टेडियम सीकर में 2 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक होने वाली भर्ती की आपने थंबनेल और टाइटल देख लिया होगा। दोस्तों आपके बहुत सारे सवाल है, मेरे पिछले 2 दिन से कॉल पे कॉल मैसेज में मैसेज आए जा रहे, तो मैं सोचा आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देख सकता हूँ। दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या होता है वीडियो को सही ध्यान से सुनते नहीं है, सही वॉच नहीं करते, इस कारण उनके वो सवाल रहते हैं। वाकई में मैं आपको सही और सटीक जानकारी बताता हूँ कि आपका सवाल ना रहे, क्योंकि मैंने खुद ने भर्ती अटेंड किया। तो हम जब भर्ती अटेंड करते तो हमारा भी ये सवाल रहता था कि वहाँ ग्राउंड क्या है, कितने बजे एंट्री लेंगे और ग्राउंड में कितना टाइम मिलेगा, एंट्री टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीजें। आपके सवाल कौन कौन से हैं, आपका एंट्री टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल डेट कब मिलेगी, मेडिकल डेट और एंट्री टाइम का हो गया, प्लस ट्रैक पे कितना टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे सवाल आपका, नंगे पांव दौड़े या जूतों में दौड़े, बहुत सारे सवाल आपके अलग अलग तरह के। अब बहुत से कैंडिडेट मेरे को ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार मेरा पिछली जनवरी में जो भर्ती हुई थी उसमें मेरा एफिडेविट बनवाया हुआ है, अब नया बनवाना है या उसी से काम चलवाऊं, क्या है। बहुत से कैंडिडेट अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं अलग अलग। तो इस वीडियो में मैं सारी आपके जो आपके सवाल है वो सारे क्लियर कटे हुए उनके जवाब दे दूंगा। बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करने वाला, आने वाले वीडियोज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रह सकते हैं। क्योंकि आप जहां भी हो, जैसे आपकी 6, 7, 8 कितनी भी तारीख की आपकी भर्ती हो, आप चाहते हो कि हमें यहाँ बैठे बैठे हमारे को अपडेट मिले, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप अपडेट से चूक ना जाए। बहुत से कैंडिडेट 2 तारीख को एंट्री लेंगे तो उनको पास मैं पहला बैच की अपडेट डाल दूंगा तुरंत, बस आप वेट करना कब तक किस प्रकार से। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला पॉइंट है कि हम एंट्री टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो दोस्तों एंट्री टाइम की बात करूं तो मेरा फुल डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये देख लीजिए। साथ साथ शॉर्ट में बताता हूँ, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और एफिडेविट। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट मैंने ये बताया कि क्या पता आपका कोई नाम में करेक्शन हुआ हो, तो उसके लिए आपकी 10th की मार्कशीट आपके साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे मेन यही इंपॉर्टेंट है। इनसे आपको एंट्री मिल जाएगी, एफिडेविट बाहर निकालना, आधार कार्ड निकालना, 10th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये आपके इनसे आपके एडमिट कार्ड हो सारे डॉक्यूमेंट से आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री मिलने के बाद में आपका 2 बाड़े, 1 बाड़े से दूसरे बाड़े में ले जाएगा, वहाँ उनका 1.5 से 1 घंटे का आपका बीच में गैप रहेगा, वहाँ से आपको ट्रैक पे ले जाएगा। अब दूसरा पॉइंट अपना है कि मेडिकल डेट किस दिन मिलेगी, नेक्स्ट डे रहेगी या अगले वाले दिन मेडिकल डेट। तो मैं बता दूं, अभी तक जो अग्निवीर का प्रोसेस चालू हुआ है उसके अंदर आज तक जो अग्निवीर की भर्ती हुई उसमें जिस दिन रनिंग हुई, क्वालिफाई किए बंदे ने, जिस लड़के ने, उसका मेडिकल दूसरे नेक्स्ट डे होता है, तुरंत नेक्स्ट डे होता है। तो आपको बता दूं सेम यही प्रोसेस रहने वाला, फिर भी कोई चेंजमेंट हुआ तो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, भर्ती स्टार्ट होने से पहले मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अपने चैनल पे सही और सटीक जानकारी मिलती है, अफवाह और झूठी जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ठीक है। अपना दूसरा पॉइंट क्लियर कट हो गया। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, पुलिस वेरिफिकेशन। सबसे ज्यादा अफवाह, मतलब सबसे ज्यादा मतलब सवाल उठ रहा है सभी बच्चों का, बहुत सारे। मैं अभी सुबह से इतना परेशान हो चुका हूँ कि क्या बताऊँ आपको, फोन कॉल्स के माध्यम से, पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी भाई जिसने बना लिया बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं बनाए। जिस भाई ने नहीं बनाया बेफिक्र रहो, नो टेंशन, आपके 1% भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम आपकी जरूरत होती है, जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओगे भर्ती क्वालिफाई करने के बाद में, उस टाइम आपको कतई ही जरूरत नहीं, ठीक है। अगर बनवा लिया तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, साथ लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु नहीं बनवाया है फिर आप इधर उधर बाइक पर ड्राइव कर रहे हो, बार बार बाजार में जा रहे हो, रिस्क लेके कुछ ना कुछ करके इधर उधर घूम रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो रेस्ट टाइम करने होता है फिजिकल एक्टिविटीज में उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप मतलब गलत कर रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करनी है। जो बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स है उनका जो वीडियो डाला हुआ है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो देख लीजिए और जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो रेडी कर लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन के अलावा। ये अपना था तीसरा पॉइंट। बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट अपना यह है कि ग्राउंड पर टाइम पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंगे पांव दौड़े या जूतों में दौड़े, सबसे बड़ा सवाल भर्ती में टाइम पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इंडियन आर्मी की भर्ती नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है 5:30 एक्सीलेंट, 5:45 गुड। अभी थोड़ी देर पहले मेरे शाम दोपहर में मेरे पास कमेंट आया था, उस टाइम बोला सर मेरा 5:45 टाइम आता है, मैं कलर्क सा हूँ, मेरी आराम से दौड़ क्वालिफाई हो जाएगी। तो बिल्कुल क्यों नहीं होगी, आप मैं एक ही चीज को कह रहा हूँ, आप अपने माइंड में टाइमिंग को माइंड में बिल्कुल मत रखिए, बस टॉप 20 बंदों में, 15 बंदों में, 25 बंदों में चलिए,
फिर देखते हैं बिल्कुल क्यों नहीं होती है दौड़ क्वालिफाई। टाइम को बिल्कुल ही एक नोटिफिकेशन दे रही है, उनके फौज आपको जब ट्रैक पे बिठाएगी तो आपको वहाँ पे कर्नल उस्ताद बोलेंगे कि आपको फर्स्ट ट्रैक जो फर्स्ट एक्सीलेंट होगा 5:30 दिया जाएगा और सेकंड गुड बैच के अंदर आपको 48 और 60 का रहता है, 60 वाले को दिया जाएगा आपको मतलब 5:30 और 48 वाले को दिया जाएगा 5:45। बिल्कुल आपको भी पता है क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो मैं बता दूँ आप अपने बस ऐसा रखना है कि मेरे को 4 राउंड इस प्रकार से लगाने कि मैं जब रुकूं, जब मेरा 4 राउंड कंप्लीट हो जाए तो मेरे शरीर में 1% भी एनर्जी रहनी चाहिए, उठ कर चलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन रहेगी तो आप भर्ती क्वालिफाई करने से आप कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखिए। बाकी टाइम अच्छा मिलेगा, ट्रैक एकदम जानदार शानदार है, टाइम एकदम बढ़िया मिलेगा, माइंड को पॉजिटिव डिसीजन दीजिए। जितने भी आपके पास 5, 7, 8, 10 दिन जितने भी अभी प्रेजेंट में टाइम बच रहा है उसमें अपनी कंटिन्यू बरकरार, जैसा वर्कआउट सेम चला रहे थे 5-7 दिन में चल वही सेम वर्क करते हैं, नया चेंजमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। ये आपका ट्रैक का हो गया। एक बहुत से सवाल पूछ रहे हैं नंगे पांव दौड़े कि जूते से दौड़े, तो मैं बता दूं आपको, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, हमारे ऊपर मत छोड़िए आप कि हम किस प्रकार से, मैं ट्रैक का भी बता दूंगा, नेक्स्ट ट्रैक का पॉइंट रखूंगा। आप जिस प्रकार से 1600 मीटर का ट्रायल देते थे, टाइमिंग देते थे 7 दिन के बाद में, उसमें आप सॉक्स पहन के दौड़ते थे या जूतों में दौड़ते थे या नंगे पांव दौड़ते, वही तरीका अपनाना, नया तरीका कुछ भी नहीं अपनाना, इस चीज का पूरा पूरा ध्यान के नया तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना। आपको जो ये पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे ये जो अभी तक काफी देर से चल रहा है, यही आपका ग्राउंड है, यही ग्राउंड है आपका, आप देख रहे हो आपको ट्रैक वगैरह सब कुछ दिखाई दिया जा रहा है, यही आपका ग्राउंड है पूरा, आपको जो दिखाई दिया जा रहा है पीछे ये ग्राउंड है मेरा, आपको वीडियो डाला हुआ है फुल डिटेल, उसको जाके देख लीजिए, पूरी प्रोसेस उसमें बताई हुई, यही ग्राउंड है, इसी में है। बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, पांचवा पॉइंट अपना कि ट्रैक पे क्या छेड़छाड़ की गई है या पहले वाला जैसा है, मिट्टी डाली गई है या नहीं डाली गई, कुछ चेंज किया गया है या नहीं, सारे सवालों का जवाब एक है, कुछ भी नहीं किया गया, जो पहले था उसी के जो उसके ऊपर जो गड्ढे वगैरह हो गए वही रिपेयरिंग की गई है, बस सेम वही ट्रैक है, जो उसकी खरपतवार थी पट्टी के नजदीक वो पट्टी से खरपतवार हटा दिए और बांस की बड़ी की जगह आपकी बार जाल खड़ा किया गया, जो कि आपके बैक परसेंट भी दिक्कत नहीं होगी गिरने वगैरह लगने की, ठीक है। बांस खड़ा किया गया आपकी बार खड़ा कर रखा गया और जाली का बांस की जगह वो खा गया है, जाली रखी गई है, तो कुछ भी पूरा पेटी पे ग्राउंड है, आप ग्राउंड से रिलेटेड मेरा वीडियो डाला हुआ है पीछे आपको दिखा दे रहे, एक नंबर का यही ग्राउंड है, छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की गई है ग्राउंड के अंदर, ट्रैक के अंदर सेम ट्रैक, एक नंबर का ट्रैक एकदम, पूरा लाइट का कवर किया हुआ है, पूरे कैमरा वगैरह लग गए, सारी प्रोसेस, जैसे मेरे पास कोई नई अपडेट आती है बहुत सारे ग्राउंड की वीडियोज में, जैसे सोशल मीडिया अलाउ नहीं है ग्राउंड के अंदर, फिर भी मैं आपको कैसे ना कैसे करके आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ, डालता हूँ ताकि आप जहाँ भी हो वहाँ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करके संतुष्ट हो जाए कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे चल रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपके पास 5, 7, 8 जितने भी दिन बचे उसमें भाई जी और जान से मेहनत कीजिए, मन मत चुराइए कि एक तो चला जाऊँ पर से चलाऊँ, वो थोड़ा सा डाइट पे मेंटेन रखिए, कम से कम बाइक पे ड्राइव कीजिए, बी शेप रहिए, अपने आप को शेप रखिए, जितना अपने आप को शेप रखिए, वर्कआउट से घर, बस ऐसा, डाइट प्रॉपर, रेस्ट प्रॉपर, इन 3-4 पॉइंट का प्रॉपर ध्यान रखोगे, लास्ट टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर लास्ट टाइम आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो अगर उस पर पूरा फोकस दे लिया तो आपको क्वालिफाई होने से भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है और ट्रैक से संबंधित वीडियो बनाया हुआ है, सारे वीडियो डिटेल वाइज बनाए हुए, जो भाई नया जुड़ा है चैनल पे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जरूर लाइक कर दो, सारी वीडियो मैंने पहले ही डिटेल वाइज बना दी है सारी वीडियो, मेरे को पता था आपके सारे सवाल ये बनेंगे क्योंकि मैं खुद भर्ती अटेंड करता था तो हमारे भी सारे यही सवाल रहते थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे होते ही आपके सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं रहे, सारी वीडियो डिटेल वाइज बनाए, ये बात चैनल पर जाके पूरा विजिट कीजिए, लेटेस्ट जो वीडियो डाले हुए हैं 5 से 7 दिन उनको जाके देखिए और पूरा प्रॉपर तरीके से उनको कंप्लीट वॉच कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर और कट हो जाएगा। लास्ट टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, 2 से 3 दिन पहले, 10 दिन पहले किन किन बातों का ध्यान रखना, सारी प्रोसेस डाली हुई है। दोस्तों जयपुर एंड सीकर बीआरओ की भर्ती जिला स्टेडियम सीकर में लाइव कवरेज एरिया दिखाऊंगा, जिला स्टेडियम 2 तारीख से स्टार्ट होगा, उससे पहले जो चेंजमेंट होता है वो आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो के माध्यम से चल रहा है, साथ साथ कोई भी भाई मेरे से कुछ बात पूछना चाहता है या भर्ती में अटेंड करने आ रहे हो, आपको रहने खाने पीने की कोई भी एनी असुविधा हो रही है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी इस पे मेरे को फॉलो कर लीजिए और मैसेज कर दिए आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा, मैं यूट्यूब पे जवाब नहीं दे पाते हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सुबह से पिछले 3-4 दिन से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पहले कम आते थे अब ज्यादा बढ़ गई उनकी संख्या, तो मैं यूट्यूब पे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ कई बार नहीं दे पाता हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मेरे को मैसेज कर दीजिए, वहीं आपका कोई भी आपका जो सवाल है उस पर मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, किसी भी प्रकार का सवाल हो आपका कैसा भी एनी डाउट भर्ती से संबंधित आने पीने रहने खाने किसी भी प्रकार का उसमें आपको रिप्लाई दिया जाएगा, वहाँ मेरे को फॉलो करके जरूर कर लीजिए, वहाँ भी अच्छे अच्छे अपडेट आती है फॉलो कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्त के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, भर्ती से रिलेटेड आपको लाइव कवरेज एरिया शेयर करूंगा और टाइम टू टाइम सारी अपडेट बताता रहूंगा, बेफिक्र रहिए, अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिट रहिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
जय भारत।